हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। चलिए आज बनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत से दाल के मोदक। इसके लिए हमने लिए थे 1 कप दाल, जिसको 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये भीग कर अच्छी तरह फूल गए हैं। ये देखिए, दाल हमारा भीग गया है, अच्छे से फूल गया है। आप इस तरह से तोड़ के देखेंगे ना, तो ये टूट रहा है। ये देखिए, तो इसका हम पानी निकाल लेंगे और मोटा मोटा सा थोड़ा हम पीस लेंगे। मतलब हमें दरदरा पीसना है इसका पानी निकाल कर, बिल्कुल बिना पानी के हमें पीसना है। तो पीस के ले आ रही हूँ। ये देखिए, ये पीस गया है, एकदम दरदरा है। 1-2 दाना दाल का रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसी तरह से मोटा मोटा ही पीसना है। अब इस दाल का हमें इस तरह से टिक्की जैसा बना लेना है और इधर हमारा घी भी गर्म हो रहा है, उसमें इसको डाल के फ्राई करना है। शेप का कोई ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, इसको फ्राई करके हमें तोड़ना है टिक्की को इस तरह से। आप बनाते जाइए और डालते जाइए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बना के रख लें। ये देखिए, एक बार में जितना आ रहा था हमने उतना डाला है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, तो उलट पलट कर आप फ्राई कर लीजिए। तक के फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम शुगर सिरप बना लेंगे। इसके ले लेंगे ये 1.25 कप चीनी, ये 1 कप और ये 1.25 कप डालेंगे। ये 3/4 कप पानी और इसका हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए, इधर हमारे ये दाल के टिक्की भी फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है। बस गोल्डन फ्राई करना है हमें, उनको हम निकाल लेंगे और बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने निकाल लिया है और बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। ये भी डाल दिए हैं और इधर हमारा शुगर सिरप भी रेडी हो रहा है। जब भी हमारा रेडी है, इसको बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। मतलब गाढ़ा तो करना है, लेकिन एकदम एक तार की चाशनी हो या ऐसा कुछ नहीं है, बस गाढ़ा हो जाना चाहिए। ये देखिए, सिरप हमारा लगभग रेडी है। इस टाइम पे आप डाल दीजिए 1 चम्मच पीसी हुई इलायची, जिसको हमने चीनी के साथ पीसा है। और आप चाहें तो इसमें केसर भी भिगा कर डाल सकते हैं। ये देखिए, सिरप हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इधर हमारा बाकी भी सारे फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया है। देखिए, सारे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा फैला कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये सिरप हमारा क्रिस्टलाइज नहीं हो, इसके लिए हम डाल देंगे बिल्कुल 2 बूंद नींबू का जूस। 2 से 4 बूंद काफ़ी है। चलिए इसको तोड़ देते हैं थोड़ा, कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरह से आप तोड़ दीजिए, तरह से सारे तोड़ लेंगे। देखिए, हमने सारा ही तोड़ लिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, वो भी हमें एकदम फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रहेगा। ये ठंडा हो गया है तो इसको हम पीस लेंगे। देखिए, ये पीस गया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दानेदार है। और 1-2 अगर इसमें मोटा रह गया हो तो बाकी जो पीसेंगे ना उसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारा हमारा पीस गया है। अब चलते हैं इधर गैस के तरफ। ये हमारा सिरप, इसमें हमें थोड़ा बनाने में दिक्कत होगी शायद, तो हम इसको स्विच कर देंगे दूसरे पैन में। आप सिरप हो सके तो कढ़ाई में ही बनाएं, तो आपको आसानी होगी बनाने में। हम सिरप को इसी में डाल देते हैं, गैस को ऑन कर देंगे और इसी सिरप में हम डाल देंगे ये हमारा जो पीस के रखा हुआ है ना दाल का चूरा, और अच्छे से मिला देंगे। यहाँ सिरप में मैं थोड़ा सा फूड कलर डालने वाली थी जो भूल गई, तो अभी यहाँ पे साइड में डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और अच्छे से मिला लेंगे सारा। आप जब सिरप बनाए ना उसी समय डाल दें आप कलर, और ये अच्छे से बाइंड होने लगे जब तक हम इसको पका लेंगे।
ये देखिए ये अच्छी तरह से पक रहा है, एक एक दाना उसमें फूल जाएगा। तरह से लगातार चलाते हुए आप इसको पकाएं। ये देखिए अब ये बिल्कुल पैन को छोड़ने लगा है, तो इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको 10 मिनट ढक कर यूं ही छोड़ देंगे। आपको अभी लग रहा होगा ना कि ये पतला है, लेकिन थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ज़्यादा करेंगे तो ये फिर हार्ड हो जाएगा। बंद कर देते हैं, इसको हम कवर कर देते हैं और छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल। ये देखिए इसको इस तरह रखे हुए 10 मिनट हो गया था, अभी बिल्कुल रेडी है हमारे मोदक बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हो रहा है ना, इसका मतलब कि ये रेडी है। लेकिन अभी ये थोड़ा और गर्म है, तो थोड़ा और ठंडा होने देंगे हम इसको। थोड़ा हिला देते हैं कि जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है, ये रेडी है मोदक बनाने के लिए। तो इस टाइम पे आप डाल दीजिए 1 चम्मच घी और अच्छे से इनको मिला लेंगे। इसको आप हाथ से ही इस समय मिला लें, ये ठंडा भी हो गया है। आप 1 चम्मच या 2 चम्मच भी मिला सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। चलिए हम बनाते हैं मोदक। लेते हैं एक मोदक का मोल्ड और उसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो इसे ये देखिए, ये हमारे पास कुछ पिस्ता और कुछ ये मगज। इस मिक्सचर में भी अगर चाहें तो काजू बादाम किशमिश आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। हमने नहीं डाला है लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे। इसी में आप थोड़ा सा डालिए, इसी में आप थोड़ा सा इस तरह से पिस्ता लगा सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ये मिक्सचर और अच्छे से जितना हो सके उसमें फिल कर दीजिए। खोल के देखते हैं, ये देखिए क्या मस्त से हमारे मोदक बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना कितना खूबसूरत। इसी तरह से सारे बना लेंगे हम। इसमें ये हम डाल देंगे इस तरह से, बंद करेंगे और डाल देंगे ये हमारा मिक्सचर। चलिए खोलते हैं। वाव, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये जब आपका थोड़ा गर्म ही हो ना तभी इसको आप बना ले, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल आपको दिक्कत करेगा बनाने में। ये लीजिए बिल्कुल रेडी है हमारे ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही खूबसूरत दाल मोदक। 1 कप दाल से हमारा लगभग 30 मोदक बना था। तो आप ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।